राजकुमार राव भाई साहब क्या लेवल की इंसान ने एक्टिंग की है। तो इतने सारे एक्शन फिल्म्स देखने के बाद मुझे फाइनली एक स्लाइस ऑफ लाइफ फील गुड मूवी देखने मिली है, जो है श्रीकांत। सबसे पहले तो राजकुमार राव भाई साहब, इस इंसान ने क्या एक्टिंग की है। मतलब राजकुमार सबके दिलों पे राज करने वाले हैं इस फिल्म के बाद, और उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशन यार, मतलब मुझे एक्चुअल में लगा ही नहीं कि वो एक्टिंग करे। इट एक्चुअली फील्स कि कोई एक ब्लाइंड पर्सन स्क्रीन पे है भाई। हैट्स ऑफ इस इंसान को। जब मैंने ट्रेलर देखा था ना, तभी मुझे हिंट आया था कि ये भाई साहब फाड़ने वाले स्क्रीन, और वही हुआ एग्जैक्टली। क्या लेवल की एक्टिंग की। लास्ट टाइम मुझे ऐसे कोई कैरेक्टर के लिए बहुत दिल से फील हुआ था, वो था माय नेम इज़ करण वाला कैरेक्टर, जो शाहरुख सर ने प्ले किया था। और उसके बाद राजकुमार राव इज़ द गॉड ऑफ एक्टिंग भाई। हैट्स ऑफ आपको, हैट्स ऑफ। मुझे पर्सनली ना फिल्मों में फादर सन बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, और इस फिल्म में भी जब जब वो प्यारे प्यारे सीन्स आते हैं बिटवीन राजकुमार राव और उसके फादर के बीच, बहुत कम सीन्स हैं बट जितने भी सीन्स हैं ना उन दोनों के बीच, दिल को छू जाते हैं वो सीन्स। एंड उसके ऊपर वो जो सॉन्ग प्ले होता है बैकग्राउंड में, पापा कहते हैं यार, मुझे एक्चुअली गूज़बम्स आए थे। एंड मुझे नहीं पता कि इतना इमोशनल मैं लास्ट कौन से फिल्म के लिए हुआ था, बट इस फिल्म में ना ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ में। इस फिल्म का म्यूज़िक और एक बहुत ही प्यारा गाना है तू मिल गया, जो जुबिन नौटियाल ने गाया, जो मूवी के आई थिंक फर्स्ट हाफ में आता है जितना मुझे याद है। एंड जब वो मोमेंट आता है ना, जब श्रीकांत की लव स्टोरी स्टार्ट होती है, तब एग्जैक्टली वो गाना आता है। एंड बहुत ही सिंपल गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है, एंड आप दिल से कनेक्ट करोगे सॉन्ग को। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और उसका जो पेसिंग है ना, वो बहुत ही फास्ट है। 2.25 घंटे में श्रीकांत बोला कि उन्होंने मेजर लाइफ इवेंट्स दिखाए हैं, एंड ये बहुत ही मुश्किल होता है गाइस कि 2 घंटे में एक इंसान की, एक कैरेक्टर की जर्नी दिखाओ, और इस फिल्म ने वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखाया है। कहीं पर ना आप बोर नहीं होंगे, मतलब ये फिल्म इतनी फास्ट है, और ऐसा भी नहीं कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, एक प्रॉपर बैलेंस है। जितना आप रोगे उतना इस फिल्म में हंसोगे, तो जितने इमोशनल मोमेंट्स है उतने ही फनी, क्यूट, हैप्पी मोमेंट्स भी है। तो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही वेल रिटन है और बहुत ही स्मार्टली लिखा गया है। राजकुमार राव के बारे में मैं आपको बता ही दिया, बट उनके साथ इस फिल्म का जितना भी कास्ट है ना, अलाया एफ, ज्योतिका, शरद केलकर, भाई साहब मतलब इतनी परफेक्ट कास्टिंग और इतने ऑन पॉइंट परफॉर्मेंसेस, मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट कभी ऐसे फिल्म में देखा था। सब ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, एंड स्पेशल मेंशन यू नो टू शरद केलकर एंड राजकुमार राव की जोड़ी। मतलब ऐसा डुओ बॉलीवुड में मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा था, जो श्री और रवि, जो उनके कैरेक्टर्स है यार, उन दोनों की जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्डिंग है, अब उन दोनों के कैरेक्टर्स के साथ ना कनेक्ट कर जाओगे। तो ये था मेरा बहुत ही ज़्यादा क्विक रिव्यू। बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म जितना आपको हंसाएगी उतना रुलाएगी भी, एक परफेक्ट बैलेंस है और एक प्रॉपर परफेक्ट फैमिली फिल्म है। तो ये फिल्म मिस मत करो गाइस। हैट्स ऑफ टू द होल टीम, हैट्स ऑफ।